नंगा कर दिया, वरना हम भी बदन का हर भाग ढांक कर चलते थे। गुलबदन, ये नंगे बदन कहाँ से आ रहे हो? चाचू, वो रास्ते में गरीब मिल गया था। कौन मिल गया था? चाचू प्लीज, पापा जाग जाएंगे। इसीलिए तो मैं चुप बोल रहा हूँ। प्लीज, एक शर्त पर, अब आइंदा अकेले नहीं जाओगे। जब भी लौंडे के पास जाओगे, चाचा को लेकर जाओगे। प्रॉमिस। प्रॉमिस। अरे चाचा, भतीजे की दोस्ती के बारे में तुमने सुना नहीं? देखो, हम बताते हैं कि ये चाचा भतीजे की यारी दुनिया की हर दोस्ती से है न्यारी। इसलिए आशिक चाचा से इश्क के दाव पेच सीख लो, हम हैं तैयार मेरे यार, हमसे जो चाहे सीख। अरे वाह चाचू, क्या शेर कहा। चाचू नहीं यार, चाचा गालिब। अरे वही तो, चाचा गालिब, क्या शेर कहा। मुन्ना, तुम अपने बेडरूम में जाना चाहते हो तो एक काम करो, मेरे बाथरूम में घुसो, कमोड पर पैर रखो, रोशनदान से डाइव मारो, सीधे अपने बेड पर पहुंच जाओगे। ये सब आपको कैसे पता है? इसलिए कि इस रोशनदान से हम कई बार डाइव मार चुके हैं। यू आर ग्रेट चाचू। जानी, जिस कॉलेज के तुम स्टूडेंट हो, हम उसके प्रोफेसर हैं। गुड मॉर्निंग बॉयज। अंदर अंदर। मैंने कहा गुड मॉर्निंग बॉयज। गुड मॉर्निंग मैडम। ये चश्मा क्या हर वक्त आप लोगों को किसी डॉक्टर ने पहनने के लिए कहा है? सॉरी मैडम। कुछ जल रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं। ठीक है, गो टू योर क्लासेस। ओके मैडम। भाई यार, मोटू तू बच गया। पानी पानी ले चल, पानी पी, पानी पी। अरे अरे, इसमें तो पानी नहीं आ रहा है। पानी ले, अब मैं लगाऊंगा। अबे मोटू, सिगरेट निकाल ली है तो तुझे शीर शासन करना पड़ेगा। शीर शासन? शीर शासन तो मुझे आता नहीं है। अबे शीर शासन नहीं करेगा तो सिगरेट कैसे निकलेगा? मोटू चल चल, दम लगा के हैया, दम लगा के हैया, जोर लगा के हैया। क्या हुआ, क्या हुआ मोटू को? इसने जलती हुई सिगरेट मुंह में डाल ली है और हम ये आग निकालना चाह रहे हैं। अरे कौन सी मुश्किल बात है, हम अभी जादू दिखाते हैं। देखो, खड़े हो जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी, जाऊ रहे सुनो, नाक बंद कराओ। निकल गया, निकल गया। सॉरी, आपको कहीं लगी तो नहीं? जरा देखो, आंख पे लग गई। ये आंख की चोट तो बहुत खराब होती है जी। कोई बात नहीं, एक मिनट रहने, एक मिनट ठहरिए बस। थैंक यू, थैंक यू। सूजन बढ़ रही है आपकी आंख की। अरे थैंक यू, ऑलराइट। आपका गुड नेम? जी प्राची। आउट, मैं विष्णु, यहाँ कॉलेज में बच्चों की खेल कूद का इंचार्ज हूँ। You mean PT instructor? जी। How nice, क्योंकि मैं हिस्ट्री की लेक्चरर हूँ और योगा और एरोबिक्स की इंस्ट्रक्टर भी हूँ। How great! How nice to meet you. अब बच्चों के लिए मेरा वो बरसों का सपना पूरा हो जाएगा। क्या कह रहे हैं आप? Please don't misunderstand me. मेरे कहने का मतलब है कि आपके योगा से बच्चों का मन शांत और तन स्वस्थ रहेगा। I'll be able to produce now good athletes. आप फिर गलत समझ रही हैं मुझे। मेरा मतलब है कि आपके योगा से बच्चे। घंटी बज गई। बज गई। Excuse me. You are the right choice, baby. I told him. Hi everybody. Hi Sundri. Hi. Hey, कहाँ है तू? अरे बस यही थी यार। By the way, she's Kiran, she's Sapna, and Radha from Goa. मगर राधा तो गोकुल की थी, लेकिन मैं गोवा की हूँ। तुम गोवा जैसी अच्छी सिटी छोड़कर बॉम्बे आ गई अपने किशन के लिए? ओ, गोवा की राधा को बॉम्बे का किशन कब मिल गया? छुट्टियों में। फिर तो वो जरूर अपना किशन होगा। मेरा किशन सिर्फ मेरा है। वो क्या है कि पहले तुम किशन से मिल तो लो। इतने दिन कहाँ थी तुम? लंदन। आज ही आई हूँ और शाम की फ्लाइट से दिल्ली जा रही हूँ, तो सोचा किशन किशन से मिल लूँ। फॉर ओल्ड टाइम्स सेक। ओल्ड इज गोल्ड। आई मिस्ड यू। आई मिस्ड यू टू बेबी। लेट्स गो।
वो रहा किशन। दादा ऑल द बेस्ट, एंजॉय योरसेल्फ, बाय। कौन है ये? तुम्हें पता नहीं? वो राधा है, राधा जो किशन को गोवा में मिली थी। गोवा? ओ शिट। राधा तुम? बड़ा सरप्राइज। सरप्राइज तो मुझे होना चाहिए। राधा, अरे राधा सुनो तो सही। तुमसे मिलकर मैंने ये सोचा था कि राधा को किशन मिल गया और मैं यहां तक चली आई। डोंट टच मी, ये मेरी भूल थी। तुम मेरे किशन नहीं हो सकते। तुम्हारे नाम से मैं धोखा खा गई। राधा, 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 राधा कहाँ जा रही हो राधा? हे किशन, आर यू इन लव? नहीं यार। अब रोने से क्या फायदा? ये तो दिल देने से पहले ही सोच लेना चाहिए था कि कहीं वो गलत हाथों में तो नहीं जा रहा। किरण, सपने में अपने महबूब की तस्वीर बनाना और जिंदगी में किसी को अपना बनाने में फर्क होता है। दिल का सौदा ही एक ऐसा सौदा है जो सोच समझ कर नहीं किया जाता। पर मुझे तो इस सौदे में सिर्फ घाटा ही हुआ। मैं उसे भूल तो नहीं सकती मगर उससे दूर तो जा सकती हूँ। I'll go back to Goa. तुम क्या समझती हो गोवा चले जाने से तुम उससे दूर हो जाओगी? अरे इतनी जल्दी हार गई? कुछ ही देर पहले तो तुम कह रही थी कि मेरा किशन सिर्फ मेरा है। फासले बढ़ाने से दिल की दूरी नहीं बढ़ती, जुदाई में तो साजन की और भी याद आती है। देखो अगर तुम उसे सच्चा प्यार करती हो ना तो तुम उसे जरूर पाओगी। सपना, गोविंदा। अच्छा मेरा गोविंदा आ गया, मैं तो चली, बाय। ये खुद तो डूबेगी ही, इसे भी ले डूबेगी। पापा देखिए मैं किसे लाई हूँ। पिंटू साहब को एक ग्लास पानी देना प्लीज। गीता लाइट्स ऑन करो। वीरू जल्दी से खाना लगाओ, हमें बहुत भूख लगी है। अरे तुम अभी तक खड़े हो, बैठो ना, अपना ही घर है। सपना तुम पागल तो नहीं हो गई? यहाँ पर तो कोई नहीं है। हाँ यहाँ कोई नहीं, पर मेरा नाम सपना है। मेरी जिंदगी का हर सच एक सपना है और हर सपना एक सच। वो तो ठीक है, पर सब लोग गए कहाँ? जब यहाँ कोई आया ही नहीं तो जाएंगे कहाँ? ये हमारा नया बंगला है, 6 महीने से ऐसे ही पड़ा है। पापा के भविष्य बाबा ने यहाँ रहने का मुहूर्त ही नहीं निकाला। अभी दिशा ठीक नहीं है, अभी ग्रह अनुकूल नहीं है, पर ये सब तो पापा मानते हैं, हम नहीं। हमने तो आज यहाँ गृह प्रवेश कर लिया, वो भी अपने घरवाले के साथ। सपना, मैं जब भी तुम्हारे नजदीक आने की कोशिश करता हूं तुम उससे दूर क्यों चली जाती हो? डर लगता है। डर? लगता है तुम्हें भी अपने पापा की तरह है भविष्य बाबा से मिलकर मुझसे प्यार करने का मुहूर्त निकालना पड़ेगा।
भविष्य बाबा, आपकी कृपा से हमारा नया बंगला तैयार है। गृह प्रवेश के लिए आपकी क्या आज्ञा है? मान्यवर, कलयुग भाग्य रेवती नक्षत्र में आरंभ होता है। इस वर्ष का राजा शनि और मंत्री शुक्र है। काल निवास बनिए के घर में है। गृह प्रवेश के लिए यह समय बिल्कुल अनुकूल नहीं। समय आने पर मैं आपको जरूर बताऊंगा। जी, जो आज्ञा। यह समय औद्योगिक प्रगति के लिए अनुकूल है। हमारी संस्था की नई दवा कंपनी का काम आप इसी सप्ताह में शुरू कर दें। अपनी पुत्री के नाम पर, उसका नाम जी सपना। हाँ, सपना, सपना सावंत, सा अच्छा रहेगा। ब्रह्म शांति, ओम सर्व, ओम शांति 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 ही। मान्यवर, मैंने आपकी फैक्ट्री की सफलता के लिए सब ग्राहकों को शुभ घर में लाकर खड़ा कर दिया है। धन्य है। अब आप रिबन काटकर फैक्ट्री का शुभारंभ कीजिए। बाबा, रिबन तो आप अपने शुभ हाथों से काटे हैं। मान्यवर, हम तो जोड़ने का काम करते हैं, ये कटवाने का काम आप हमसे कहां करवा रहे हैं? अब इस काम के लिए हमसे भी शुभ हाथ हमारे छोटे भाई के हैं। अब रिबन तो वही काटेगा। जो आ गया बाबा। बाबा, ये पुरुषोत्तम है, हमारी फैक्ट्री के मैनेजर। आओ बेटे, आओ आओ। हाँ, बाबा, आपने सावंत साहब के मैनेजर को फैक्ट्री में रख लिया, फिर आपका वो मैनेजर सावंत का है, पर बाकी सारे आदमी मेरे हैं। जहां दवाइयां बनेंगी उसके इंचार्ज तुम होगे। फिर मैनेजर तो खाली ऑफिस में बैठेगा ना, और हाँ, नकली दवाइयां भी तुम्हारी ही देखरेख में बनेंगी। और फिर कुछ हुआ तो मैनेजर और सावंत दोनों ही कानून के हवन कुंड में जलने की सामग्री होंगे। क्यों चिंता कर? जी बाबा, वो देखो, ये कार्य भी शुभ से संपन्न हुआ, अब सब शुभ होगा। बताए क्या होगा? अरे बहुत हो गया भाई, बहुत हो गया। 12 बज रहे हैं, पुलिस का लफड़ा हो जाएगा। तुम लोगों ने दिमाग खराब कर दिया, सच्ची परेशान करके रख दिया। तुमको मालूम नहीं इंस्पेक्टर महेश कितना कड़क आदमी यार। इंस्पेक्टर महेश अपुन का चाचू है क्या? अबे जाना। इंस्पेक्टर साहब, चाचू सर, सर आप यहाँ? सर मेरे ऑर्डर्स क्या है? सर यही कि होटल 11 बजे के बाद खुला नहीं रहना चाहिए। वाह, क्या हुआ है? सर इस वक्त तो 12 बज रहा है, फिर अभी तक बार क्यों खुला है? सर वो किशन आपका भतीजा सर। यहाँ कोई किसी का भतीजा नहीं। किशन गेट देम ऑल। ये बर्थडे पार्टी यही लग लेके छोड़ो। चाचू, चाचू, आइंदा कभी कोई ऐसी बात हो ना तो फौरन मुझे पहले इतला किया करो। ओके सर। पुलिस डिपार्टमेंट ऑलवेज इन हरी।
बाय हवलदार। गुड मॉर्निंग साहेब। गुड मॉर्निंग। अभी तो रात है भाई। रात? आपके कपड़े देख के मैं समझा साहेब सुबह हो गई हो। इतनी देर में तो मैं पैंट भी नहीं बदल सकता साहेब। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे अंदर अंदर घुसलू डाक लमी। क्या बंद कर दिया बच्चों को? छोड़ूंगा। हाँ छोड़ो उनको, छोड़ाने के लिए आया हूँ मैं। अच्छा मैं छोड़ना रहो फोन कर देते आपको तकलीफ हो गई ना। ये जबड़े ये बोटू ये हैंडसम ये चिकले चलो बाहर चलो रे। चाचू जिंदाबाद। ये नारेबाजी छोड़ो और निकलो यहाँ से। चलो चलो जल्दी साहब। मेरी सर्विस में मैं यही किया पूरा अन बगड़ा अन भुआ लाया अन मई।